State Bank of India. No good if you tell me you are the biggest bank. You are the heartless bank. Heartless, basically. अरे ये सरकार कर रही है इधर से, सरकार कर रही है उधर से, प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं. SBI चेयरमैन, यू विल मीट मी इन दिल्ली ऑन दिस मैटर एंड आई एम नॉट लेटिंग दिस गो. दिस इज अटर ओमिशन ऑफ जॉब. नहीं चलेगा जी, ये नहीं चलेगा. मैं आपके लिए आज ही रिजर्व बैंक गवर्नर से, वो जो मेरा काम नहीं है, इट्स नॉट माई बिजनेस. सॉरी मैम, I'm really sorry. सभी बैंकर मित्रों को मेरा नमस्कार. अभी तक आप सबने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का लीक्ड ऑडियो सुन ही लिया होगा. अगर पूरा नहीं सुना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से सुन सकते हैं. अब आते हैं मेन मुद्दे पर, जिसे हर बैंकर के साथ एक आम नागरिक को भी सुनना पड़ेगा और जवाब खोजना पड़ेगा. एक चीज बताइए, आखिर हर बार क्यों बैंक को ही टारगेट बनाया जाता है, जबकि गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम आती है उसे सबसे पहले बैंक वालों से करवाया जाता है. स्टाफ हमारे पास है नहीं, फिर भी दुनिया भर के सारे काम बैंक कर रहा है. अच्छा, आप ही बताइए कि बैंक सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है, कि यहाँ कैश से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड काम होने चाहिए, कि दुनिया भर के और अदर डिपार्टमेंट्स के काम बैंक से होने चाहिए. आधार कार्ड बैंक से बनेगा, स्कॉलरशिप बैंक में आएगी, गैस सब्सिडी बैंक से, लाइफ सर्टिफिकेट बैंक से, यहाँ तक कि CBSE, ICSE बोर्ड एग्जाम के पेपर की सिक्योरिटी भी बैंक ही करेगा. बहुत से ऐसे काम आए दिन बैंक के जिम्मे में है कि बस लगता है अब सुलभ कॉम्प्लेक्स भी कुछ दिन बाद बैंक वाले ही संभालेंगे. अरे भाई, बैंक वाले हैं कि साउथ की मूवी के कोई हीरो जो दुनिया भर के सारे काम करेंगे. इसकी मुख्य वजह हमारी कमज़ोर यूनियन है. अभी हाल ही में रेलवे के एक ड्राइवर ने बीच रास्ते में ही ट्रेन केवल इसलिए रोक दी क्योंकि उसकी ड्यूटी आवर्स खत्म हो गए थे. पीछे की उस ट्रैक की सभी ट्रेन फंस गई. किसी तरह अधिकारियों के बीच बचाव के बाद वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लाई गई, तब कुछ राहत आई, पर उस एम्प्लॉय को कुछ नहीं हुआ. ना तो कोई चार्जशीट, ना कोई मेमो, क्योंकि रेलवे की यूनियन बहुत स्ट्रांग है. आज जिस तरह से सबसे बड़े बैंक के चेयरमैन को इस तरह से डांटा जा रहा है, वो टॉप मैनेजमेंट के लिए सबक है कि किस तरह से अपने बैंक में कितने स्टाफ हैं, क्या प्रोडक्टिविटी है, उसे देखे बिना नेताओं को खुश करने के लिए हर स्कीम को पूरा करने का वादा कराते हैं और अपने पहले से ही कम स्टाफ पर टारगेट के नाम पर हैरेसमेंट करते हैं. आप सोचते हैं कि इन नेताओं को खुश रखो तो प्रमोशन मिलेगा. लीजिए, आपका ये ऑडियो वायरल तो हो गया, अब तो सब तक पहुंच गया. अरे, आपको तो प्राइवेट बैंक से सबक लेना चाहिए कि गवर्नमेंट की फ्री स्कीम बांटने का कितना भी प्रेशर हो, काम वो अपने स्टाफ की स्ट्रेंथ देखकर ही करते हैं कि कहीं कस्टमर सर्विसेज में कोई फर्क ना पड़े. पर आपको कस्टमर सर्विस से क्या लेना देना, आप तो चाहते हो गवर्नमेंट की स्कीम भी अमल हो जाए और कस्टमर को सर्विस ना देने पर अगर कोई कंप्लेन आए तो आप उस स्टाफ को तुरंत चार्जशीट देकर अपने को बहुत लॉयल साबित करेंगे. अभी तक आप सोच रहे होंगे कि बैंकों में यूनियन भी तो है, पर क्या आपको नहीं पता यूनियन केवल उन्हीं मामलों को देखती है जिसमें लेवी चंदा मिलता है. यूनियन केवल उन्हीं मामलों में हाथ लगाती है जिसमें चंदा मिले ज़बरदस्त. एग्जाम्पल के लिए वेतन समझौता, और इसीलिए ये लोग बैंकर की सैलरी CPC सेंट्रल पे कमीशन केंद्रीय वेतन आयोग के दायरे में नहीं आने दे रहे हैं. पर वी बैंकर्स वाले इन यूनियन से पूरी तरह अलग हैं. हम हर बैंकर से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं क्योंकि हम उनके बीच के हैं, हम उनके साथ काम करते हैं, इसलिए हमें ही पता है उनका सुख दुख. भले आप यूनियन के भक्त हों, लेकिन एक सवाल तो आपके भी मन में उठा होगा कि वी बैंकर्स वाले आखिर इस ऑडियो से क्यों नाराज़ हैं. उन्हें तो खुश होना चाहिए कि टॉप मैनेजमेंट को डांट पड़ रही है, पर वी बैंकर्स वाले हैं हम. भले आपस में कितने मनमुटाव हो, लेकिन कोई हमारे चेयरमैन को इस तरह से ट्रीट करे वो उसके साथ हम सबकी इंसल्ट है, जिसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे. और इन चीज़ों के बाद भी अगर मैनेजमेंट की तरफ से कोई गलत फैसला लिया जाएगा तो उसके खिलाफ भी हम सब एक साथ आगे आएंगे. हमारा काम विरोध करना नहीं, बल्कि जो सम्मान बैंकर्स को मिलना चाहिए, जिसके हकदार हैं वो, उसके लिए लड़ाई है. इसलिए जोर से बोलो, वी बैंकर्स जिंदाबाद, CPC लेकर रहेंगे. धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत. नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक वी बैंकर्स का एंड्रॉयड मोबाइल ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में जाकर डाउनलोड करें.
इस ऐप में आपको वी बैंकर्स के सभी प्लेटफॉर्म, सोशल नेटवर्क, नोटिफिकेशन सही समय पर मिला करेंगी, जो कि वेरीफाइड है। इसलिए तुरंत डाउनलोड करें और अपने सभी बैंकर्स मित्रों को व्हाट्सएप पर शेयर करके वी बैंकर से जोड़ें।